नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मोबाइल चार्जर देख रहे हैं, इस मोबाइल चार्जर से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इस चार्जर को यूज करके एम्पलीफायर भी बना सकते हैं, मतलब इस मोबाइल चार्जर से आप लोग गाना सुन सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी का। तो चलिए किस तरह बनते हैं ये देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं वीडियो। मैं हूं कांति और रोबोटिक्स कांति में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा एक मोबाइल चार्जर, ठीक है। आप कोई भी चार्जर ले सकते हैं मोबाइल का। तो इसको हम लोग खोलेंगे पहले, ये ख़राब होने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग ओपन करेंगे। आप किसी भी मोबाइल चार्जर को ले लीजिएगा, हो जाएगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ, ये बहुत ही कम रेट में आता है, इसलिए इसको मैं ले लिया। तो अभी इसको खोलने से इसके अंदर एक सर्किट होता है, ठीक है। तो सर्किट में आप लोग देखिएगा, ट्रांजिस्टर, आपको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा जो कि इसका नंबर होगा 13001, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर आपको एक मिलेगा, वही ट्रांजिस्टर हमको चाहिए। ये ट्रांजिस्टर आपको इस तरह देखने को मिलेगा, जो कि है सेम टू सेम इस तरह, ठीक है, इस तरह देखने को मिलेगा। या फिर आपको दूसरी टाइप का भी मिलेगा, जैसे कि ए वाला, इस तरह भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं 13001 का ट्रांजिस्टर को हम लोग खोलेंगे पहले, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए हम लोगों को सोल्डरिंग आयरन का ज़रूरत है। तो देखिए, इसको अभी खोल दिया है। तो इसका नंबर आप देख रहे हैं 13001, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सेट करेंगे, इससे हम लोग एम्पलीफायर को बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पेयर है, जो फर्स्ट पिन होगा वो होगा बेस, उसके बाद कलेक्टर मिडिल का, उसके बाद इमीटर, ठीक है। तो बेस, कलेक्टर, इमीटर। तो हम लोग बेस और कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि होगा 1K का एक रेजिस्टेंस, ये वाला 1 kΩ का एक रेजिस्टेंस है। तो इस पर हम लोग लगाएंगे, बेस और कलेक्टर पर लगाएंगे, ठीक है। तो बेस और कलेक्टर पर लगा देते हैं। तो इसको आप फिक्स्ड कर दीजिएगा सोल्डरिंग आयरन से, ठीक है। तो मैं अभी कर रहा हूँ इसको। तो अभी हम लोगों को यहाँ का एक वायर और यहाँ का एक वायर मिल गया है, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 वायर हम लोगों को मिल गया है। तो इससे हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो अभी इसको काट के छोटा कर देते हैं। तो एक पैर को हमने छोटा कर दिया, और अभी देखिए, ये आप देख रहे हैं 1000 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, ठीक है, और 25 वोल्ट। आप 16 वोल्ट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका देखिए, एक तरफ ग्राउंड है और दूसरी तरफ का पॉजिटिव वायर है। तो हम लोग पॉजिटिव वायर को इस रेजिस्टेंस के जो सर पे लगा देंगे, ठीक है। पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे जो बेस है इस पर लगा देंगे। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इस सर पे जो जैक होगा, जो मोबाइल पे लगाएंगे हम लोग एम्पलीफायर में, जो जैक है वो लगाएंगे यहाँ पे, और जैक का दूसरा वायर हम लोग लगाएंगे माइनस पे। और ये जो आप देख रहे हैं जो इमीटर है, इमीटर पे भी हम लोग माइनस का कनेक्शन करेंगे, ठीक है, जो बैटरी का माइनस होगा। तो यहाँ पे जैक लगाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका देखिए कनेक्शन, देखिए ये जो ये वाला कनेक्शन है, ये ग्राउंड रहेगा, ठीक है, और एक लेफ्ट और राइट होगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो हम लोग इसको स्टीरियो नहीं बना रहे, मोनो बना रहे, ठीक है। तो स्टीरियो बनाने के लिए और एक आपको ट्रांजिस्टर चाहिए होगा। तो एक का कनेक्शन हम लोग इस पर लगाएंगे और दूसरे का दूसरे सर्किट पर लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी एक ही कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए इस पर ही लगाएंगे। आप दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, और ग्राउंड को हम लोग ग्राउंड पर लगा देंगे। और अभी ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ग्राउंड को हम लोग यहाँ पे जो इमीटर है
उस पर लगा देंगे। तो अभी ये लग गया है। तो अभी देखिए इस पर मीडियल का जो कलेक्टर है इससे एक वायर निकला है, तो उसको हम लोग स्पीकर पे लगा देंगे, स्पीकर पे एक वायर पे लगा देंगे, ठीक है। और स्पीकर का दूसरा वायर पॉजिटिव पे लगा देंगे और जो बैटरी का ग्राउंड है उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं लगाता हूँ, आपको देखिएगा। जैसे कि मैं एक 8 ओम्स का एक स्पीकर ले लिया, ये 8 ओम्स का एक स्पीकर है। तो स्पीकर का एक कनेक्शन हम लोग इस पर लगाएंगे कलेक्टर पर, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव पे जाएगा, जो बैटरी का पॉजिटिव पे, और बैटरी का नेगेटिव हम लोग यहाँ पे कलेक्टर पे लगा देंगे, ठीक है। तो अभी इसको कनेक्शन करते हैं। तो अभी देखिए मैं जो बैटरी हम लोग लगा रहे हैं, आप इस पर 5 वोल्ट लगा सकते हैं। ये जो बैटरी 9 वोल्ट का देख रहे हैं, ये अभी 5 वोल्ट है, इसमें 9 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये लग गया है, और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव स्पीकर पे लगेगा, और नेगेटिव जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो कनेक्शन देख लिया आपने, मैं सर्किट आपको दिखाऊंगा बाद में, तो फिर भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर का जो कनेक्शन करेंगे, जो जैक होगा वो जैक हम लोग लगाएंगे इस पर, जैसे कि ये वाला जैक हम लोग इस पर लगाएंगे। तो इस पर लगा दिया, और अभी देखिए ये हो गया है। तो इस पर जब भी हम लोग कनेक्शन देंगे तो ये स्पीकर पे साउंड करेगा। तो चलिए अभी आपको दिखा दें। तो ये सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक स्पीकर पर लगा दिया और एक कलेक्टर पर लगा दिया नेगेटिव, और यहाँ से हम लोग जो ऑडियो का कनेक्शन हम ले लिया, ठीक है, जो इनपुट होगा और यह सा आउटपुट होगा। तो अभी हम लोग इसको खोल देते हैं। तो ये कम्प्लीटली सर्किट हो गया है। तो अभी हम लोग इसको चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो जब भी इस पर हम लोग प्ले करेंगे, इस पर जब भी प्ले करेंगे तो इस पर गाना ऑटोमेटिकली बजने लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, देखा आपने, ये बहुत ही अच्छे से बजने लगा है। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप घर पे आसानी से एक एम्पलीफायर बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह हमने कनेक्शन किया है वो आपको पता है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से ये वीडियो देख के कैसे कैसे लगाया है वो कनेक्शन आप देख सकते हैं। तो देखिए तो बहुत ही अच्छे से साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो आपने डेमो देखा इसका सर्किट डायग्राम में रहा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये एक मोबाइल का चार्जर से हमने ले लिया, 13001 या फिर 13003, कोई भी नंबर आप किसी भी चार्जर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों में कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो दोनों से ही हो जाएगा। तो यह का फर्स्ट जो कनेक्शन है, मतलब ट्रांजिस्टर का जो बेस है, उसको 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर में पॉजिटिव पे लगा दिया, और ग्राउंड का कनेक्शन जो है उसको हमने जो जैक है जैक के ग्राउंड पे लगा दिया। और लेफ्ट और राइट का कोई भी कनेक्शन ले लीजिए, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसको आप ले लीजिए ट्रांजिस्टर के इमीटर पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और बेस और कलेक्टर पे जो कनेक्शन होगा वो 1K का एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। 1K का एक रेजिस्टेंस बेस और कलेक्टर पे लगा दीजिएगा, और वही कलेक्टर से कनेक्शन निकाल के आप स्पीकर पे लगा दीजिए। 8 ओम्स का एक स्पीकर होगा, इस पे लगा दीजिएगा, और एक कनेक्शन आके पॉजिटिव पे लगा दीजिएगा बैटरी के, ठीक है।
और बैटरी से जो नेगेटिव आया है उसको ट्रांजिस्टर के इमीटर पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और यही है कनेक्शन, और इस पे जैक लगा के आप जब भी गाना सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का साउंड आएगा। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय। चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।